हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल फैक्ट बाय वैशाली। तो आज हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज़ का नया चैप्टर, चैप्टर फोर, और चैप्टर का नेम है प्लानिंग। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज़ प्लानिंग? तो प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान्स टू अचीव देम। प्लानिंग क्या है कि जहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्टिव या जो भी टारगेट है उसे सेट करते हैं और उसके हिसाब से हम एक्शन करना शुरू करते हैं। एक्शन मीन्स काम करना शुरू करते हैं ताकि जो भी हमने टारगेट सेट किया है उसे हम डेफिनेटली अचीव कर सकें। इट कंसर्न विद बोथ एंड मीन्स, दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। और इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं कि आपने प्लानिंग के बारे में सोचना है कि भाई आपने करना क्या है, व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, और हाउ इट इज़ टू बी डन, उसे कैसे करना है। दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अभी दो तीन चीज़ें और हैं, इसके बाद मैं भी आपको बताऊंगी आगे। प्लानिंग इज कंसर्न टू बी द बेसिक और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? सबसे ज़्यादा बेसिक और प्राइमरी फंक्शन है। मैनेजमेंट के अंदर कुछ फंक्शंस आते हैं, उसमें से जो पहला फंक्शन है वो प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्लानिंग है। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होती है, तभी आप बाकी चीज़ें करते हो, ठीक है। बिकॉज प्लानिंग प्रोसीड ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल अदर फंक्शन आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग। क्यों? सबसे पहले प्राइमरी और बेसिक फंक्शन प्लानिंग ही क्यों है? बिकॉज प्लानिंग प्रोसीड ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे जब आप प्लानिंग करना शुरू करते हो उसी के बाद फिर सारे फंक्शन अपने हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। देखिए, अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, वहाँ पर अगर आप प्लानिंग कर ही नहीं रहे हो, आपने प्लानिंग करी ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं है कि आप किस चीज़ के बारे में बिजनेस स्टार्ट करोगे या कौन सा टारगेट आपने अचीव करना है, तो बाकी चीज़ें तो आगे की हो ही नहीं पाएंगी। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ? प्लानिंग। जब आप प्लानिंग करोगे तभी उसके बाद की आपकी बाकी चीज़ें खुद ब खुद क्या होती जाएंगी, परफॉर्म होते जाएंगी अपने हिसाब से, फ्रेमवर्क के हिसाब से, ठीक है। जैसे आपने प्लानिंग करी है उसके हिसाब से बाद के बाद स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते जाओगे, काम करते जाओगे। तो प्लानिंग क्या है? जहाँ पर हम डिसाइड करते हैं एडवांस में, डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या क्या डिसाइड करना होता है हमें एडवांस में? व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू बी डन। जहाँ पर आपने तीन या चार चीज़ों के बारे में सोचना होता है वो क्या है? जैसे कि व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है आपको, इस चीज़ की प्लानिंग करिए। सेकंड आता है हाउ इट इज़ टू बी डन, आपको कैसे उस काम को करना है, इसकी आप प्लानिंग करोगे। थर्ड कह रहा है व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब उसे करोगे, इसके बारे में आपने सोचना है। एंड लास्ट इज हु इज़ टू बी डन, उस काम को कौन करेगा। तो ये तीन चार चीज़ें आपको प्लानिंग के अंदर पहले से ही सोच के रखनी होती है, तभी आप वो अपना काम करना शुरू कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं इसके फीचर्स में। आई होप कि आपको प्लानिंग समझ में आ गई होगी कि प्लानिंग के अंदर एडवांस में आपने क्या क्या सोचना है, प्लानिंग क्या होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब आ जाते हैं हम फीचर्स के अंदर। तो फीचर्स देखिए इसके अंदर, सबसे पहला है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, थर्ड इज प्लानिंग इज परवेसिव, फोर्थ इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग, फिफ्थ इज प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सिक्स्थ इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। देयर आर सिक्स फीचर्स इन दिस प्लानिंग, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अब देखिए प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है, एज स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान अलॉन्ग विद एक्टिविटीज अंडरटेकन टू अचीव देम। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी स्पेसिफिक टारगेट सेट कर लिया कि आपने दो महीने में 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो उसके हिसाब से अब आप क्या करोगे, प्लानिंग करना शुरू करोगे कि अब हमें कैसे किस तरीके से काम करना है या कौन उस काम को करेगा या कब से वो काम शुरू करना है। तो इन सब चीज़ों की प्लानिंग करना आप शुरू करोगे और तब आप जाके दो महीने में वो जो अचीव करना है अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। सेकेंड कहता है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। यहाँ पर कहता है इट इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग द फ्यूचर इवेंट एंड कंडीशन। प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। कह रहा है यहाँ पर आपने पहले से ही फोरकास्टिंग करके रखनी होती है, यानी कि फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोच के रखना होता है। देखिए आप ये तो नहीं कह सकते कि कल के दिन क्या होगा, लेकिन आप प्रिपेयर अब ज़रूर पहले से रह सकते हो। मान लीजिए आप
कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ये तो ज़रूर मान के चलोगे ना कि कहीं ना कहीं आपको लॉस भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आपने क्या करी है, पहले से ही फोरकास्टिंग करके रखी है, यानी कि पहले से ही सोच के रखा है कि अगर बाई चांस मान लो कि हमारे बिजनेस में हमें लॉस हो जाता है तो हमें किस तरीके से उस लॉस को भरना है, उस लॉस के लिए हम कहाँ से पैसा सेव करके रखें कि अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम वो पैसे को वहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपने क्या करी है, फोरकास्टिंग करी है। तो जहाँ पर हम फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए पहले से ही चीज़ें सोच के रखते हैं, कंडीशंस को सोच के समझ के रखते हैं और उस हिसाब से हम उसको प्लानिंग करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। जहाँ पर हम अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। थर्ड इज़ प्लानिंग इज़ परवेसिव। अब देखिए, परवेसिव वर्ड हर मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी कई बार आ चुका है। परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल। तो यहाँ पर कह रहा है इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लिए ही नहीं है, प्लानिंग जो है वो हर लेवल के लिए अप्लाई होगी, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो। तो हर जगह पे प्लानिंग की ज़रूरत होती ही होती है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ वन, प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग एज इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। देखिए, प्लानिंग क्या होता है, जहाँ पर हमें चॉइस करने के लिए मिल जाता है और डिसीजन लेने के लिए टाइम मिल जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपने पहले से ही प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्या है, सफिशिएंट टाइम होगा कि आप क्या कर सकते हो, आराम से डिसीजन ले सकते हो किस अपने बिजनेस के लिए, या फिर आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल सकती हैं जहाँ पर आप जो आपके लिए बेस्ट होगा उसे आप चूज़ करोगे। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है, जहाँ प्लानिंग कह रहा है कि आप जितने भी आपको चॉइसेस मिल रही हैं उसमें से अपने लिए बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढिए, यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट बिजनेस या बेस्ट प्लानिंग ढूंढिए जो आपको क्या कर सके, आपका टारगेट अचीव करा सके। आपको इनफ टाइम मिल रहा है, बेस्ट चॉइसेस में से आपको चूज़ करने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, प्रोग्रेस ही करोगे। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये भी कई बार आ चुका है। इसका मतलब क्या है, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, दैट इज़ अ मंथ, अ क्वार्टर और अ ईयर। देखिए, प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो क्या होती रहेगी, हर बार चलती रहेगी। देखिए, इस बार आपने टारगेट अचीव करा, उसको अचीव कर लिया है, अब नेक्स्ट सेकेंड टाइम फिर आप क्या करोगे, टारगेट सेट करोगे, थर्ड टाइम फिर टारगेट सेट करोगे। तो हर बार आप क्या करोगे, टारगेट सेट करोगे और उस हिसाब से उसको अचीव करते रहोगे। तो प्लान्स क्या हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आप बनाते रहोगे, चाहे वो मंथ के लिए बनाओ, चाहे मंथ में बनाओ, चाहे क्वार्टर में बनाओ, चाहे ईयर में बनाओ, आपके जो प्लानिंग है वो कंटिन्यूसली हमेशा चलती रहेगी। नेक्स्ट और लास्ट आता है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है एज इट रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड साउंड जजमेंट। देखिए, ये एक तरीके की मेंटल एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लानिंग मतलब सोचना, आप सोच रहे हो, मेंटली सोच रहे हो कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, किस तरीके से आपको उसे सेट करना है, कौन सा आपने टारगेट सेट करना है, किस तरीके से आपको उसको अचीव करना है। तो यहाँ पर आपका माइंड क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कह रहा है साउंड जजमेंट, आप जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, जो आप सुन रहे हो, उन समझ रहे हो, उन सारी ही चीज़ों को एनालाइज करोगे और उसका जजमेंट करोगे। जजमेंट करने के बाद जो फाइनलाइज होकर आएगा वही आप क्या करोगे, लास्ट में प्लानिंग को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ रही है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स विच वी हैव डन। ठीक है, फर्स्ट इज़ प्लानिंग फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज़ परवेसिव, प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।